आयुर्वेदिक का भारतीय संस्कृति और जीवन में बड़ा ही महत्व है। बड़े बड़े महर्षि, तपस्वी और शोधकर्ताओं ने मनुष्य जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति को मान्यता दी और स्वस्थ दीर्घायु जीवन जिया। न्यूज फ्लैश ने वर्तमान में आयुर्वेद से लोगों के बढ़ते जुड़ाव और दिनचर्या के बारे में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बोरावड़ में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक सूर्य प्रकाश बंसल से सीधी वार्ता की है और वर्तमान में विशेषकर कोरोना काल के बढ़ते दुष्प्रभाव में जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने के बारे में आयुर्वेद विचार व्यवहार और आहार योग आदि पर विचार जाने। आप इस समय न्यूज फ्लैश टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर सूर्य प्रकाश बंसल के आयुर्वेद से मनुष्य जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने के उपाय का सीधा प्रसारण देख रही है। न्यूज फ्लैश आयुर्वेदिक के द्वारा आपके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करता है। स्वस्थ आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है? भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक का जो महत्व है अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। हम जीवन सुखी जीवन जीने के कुछ उपाय के बारे में डॉक्टर सूर्य बंसल साहब से वार्ता कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बोरवाड़ में कार्यरत हैं। हम आपसे आयुर्वेदिक आचार विचार संयम और दिनचर्या के बारे में पूछेंगे, किस तरह से सुखी जीवन जिया जा सकता है आयुर्वेदिक के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एक अपने आप में बहुत बड़ी विचार है, एक बहुत बड़ी पैथी है जिसमें हम हमारे जीवन में अपना कर सुखी रह सकते हैं। मूलतः इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो बीमार आदमी को, रोगी आदमी को ठीक रखना, ठीक करना, और एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखना। अब इस बीमार आदमी को या रोगी आदमी को ठीक होने के लिए कई तरीके, कई पैथियाँ हैं हमारे जीवन में जिनको हम लोग सभी जानते हैं, परिचित हैं, उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। मेरा पहला दूसरा उद्देश्य जो है कि एक स्वस्थ आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है, अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अपना के वो स्वस्थ रह सकता है। उसके लिए हम बेसिकली कई कंसेप्ट हैं, पर हम शॉर्ट एंड स्वीट में समझना चाहें, आज की भागम भोग दिनचर्या में हम समझना चाहें, तो तीन कंसेप्ट हैं जिनको हम अपना सकते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार मतलब डाइट, निद्रा मतलब स्लीप, और ब्रह्मचर्य मतलब हमारी मैरिड लाइफ और बिफोर मैरिड लाइफ, युवावस्था मान लीजिए और मैरिड लाइफ में शादीशुदा अवस्था। आहार के अंदर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कब कि क्या और कैसे। कब का मतलब जब सीजन हो, शरद ऋतु में शरद ऋतु, गर्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु, जो ऋतु के हिसाब से हमारी सिस्टम में, हमारे जो नेचर में जो उपलब्ध होता है सर्वसुलभ, या मारवाड़ी में कहें या एक लोकल भाषा में कहें, जो सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है उस समय सब्जी है, वो हमें खानी चाहिए। आज के ज़माने में परिवहन की सुविधा अति आधुनिक होने की वजह से हर जगह हर चीज़ सर्वसुलभ होती है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी कम्युनिटी में, हमारे आसपास के जो वातावरण में जो चीज़ बहुत आयात में होती है, हम उसका सेवन अधिकाधिक करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि कैसे खाएं, और मतलब ताज़ा खाना चाहिए, और उसका सिस्टम क्या होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आज खाना खाने के बाद में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चाय पी लेते हैं, ज़्यादा चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आदमी को अपने लाइफस्टाइल को मैनेज रखना चाहिए। जैसे सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हम हमारा पानी से शुरुआत करें, गर्म पानी से शुरुआत कर सकते हैं। गर्म पानी एक लोटे से लेकर चार गिलास तक, एक गिलास से लेकर चार गिलास तक हम पी सकते हैं। धीरे धीरे इसको हमें बिना मंजन करे हुए